थोड़ी शोखी, थोड़ा शरारत और ढेर सारा सुकून, ये आवाज है इंडियन सिनेमा की एक बेहतरीन सिंगर की। पहला नशा, पहला खुमार, तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं दीवाने। जिन्होंने 90s में अपने रोमांटिक गानों से धूम मचा दिया और इनकी आवाज के जादू ने दशकों तक फिल्मों पर राज किया। साथ ही आज भी मौसिकी के कद्रदान इनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं। चुपके से रात की चादर तले चांद की, जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहें। इनकी मधुर, कर्णप्रिय और मैच्योर आवाज जो सुरों को पिरोने, ताल लगाने और तान को ऊंचाइयों तक ले जाने में माहिर थी। चाहे प्यार के नगमे रहे हों या भजन की मधुरता, इनकी गायकी ने सबको पूरी शिद्दत से इज्जत बख्शी और लाखों लोगों के दिलों में उन गीतों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट सिंगर में अपनी जगह बनाने वाली इस गायिका ने महज 4 साल की उम्र में ही एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस दी थी और 6 साल की उम्र में दूरदर्शन के एक कार्टून फिल्म के लिए भी गाना गाया था। क्या आप मानेंगे कि ये 34 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में गाना गाने वाली एकमात्र प्लेबैक सिंगर हैं और साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये लता मंगेशकर और आशा भोसले से भी ज्यादा फेमस रही हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने मराठी होते हुए भी साउथ फिल्मों में गाए अपने गीतों के लिए 2 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम किया और ये ऐसा कारनामा करने वाली भी इकलौती गैर दक्षिण भारतीय सिंगर बन गईं। कौन है ये टैलेंटेड सिंगर जिनकी मधुर आवाज भारत के साथ ही श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मलेशिया में भी बेहद पॉपुलर हो गई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। बताएंगे इस बेहतरीन सिंगर की पूरी दास्तान और इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड सिंगर की जिनकी आवाज को कोयल जैसी मधुर और खनकदार कहा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर साधना सरगम की। दोस्तों, साधना सरगम ने कई भाषाओं में अपनी मखमली आवाज के सुर छेड़े और सबको अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी और आज भी सरस्वती की साधना में तल्लीन है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी साधना सरगम और कैसे शुरू हुई इनकी संगीत की साधना। मन में प्यार भरा और तन में
साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 में महाराष्ट्र के दाभोल में एक मराठी संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम घाणेकर था और मां का नाम नीला था, जो एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर और म्यूजिक टीचर थी। बचपन से ही इनके घर का माहौल म्यूजिकल रहा और इन्हें संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग अपने घर में माँ से ही मिलने लगी। इन्होंने महज 4 साल की छोटी सी उम्र से ही सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में भाग लेना शुरू कर दिया और स्टेज पर अपना पहला गीत गाया, जिसके लिए खूब तारीफें मिली। इसके बाद साधना ने 5-6 साल की उम्र में दूरदर्शन पर एक लोकप्रिय गीत गाया, सूरज एक चंदा एक तारे अनेक, जो उस समय बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। ये गीत मशहूर संगीतकार वसंत देसाई ने बनाया था, जिन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे गाने बनाए थे। ए मालिक तेरे बंदे हम। उसी देसाई साहब ने साधना की माँ को समझाया कि वो इन्हें क्लासिकल के साथ साथ लाइट म्यूजिक की भी शिक्षा दिलवाएं, क्योंकि साधना दोनों को एक साथ सीखने में सक्षम है। इनकी माँ म्यूजिक कंपोजर अनिल मोहिले को जानती थीं, जो उन दिनों म्यूजिकल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने साधना को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया और 9 साल की उम्र में 1978 में इन्हें फिल्म तृष्णा में एक कोरस गाने में गाने का मौका मिला। गीत के बोल थे पम परम पम बोले जीवन की सरगम, जिसके मेन सिंगर किशोर कुमार थे। कल्याण जी आनंद जी को साधना की आवाज बेहद पसंद आई और कल्याण जी ने ही इनका नाम साधना घाणेकर से बदलकर साधना सरगम कर दिया, यानी 7 सुरों से सजा हुआ एक संगीतमय नाम। साधना की संगीत की शिक्षा और पढ़ाई लिखाई जारी रही और 10 साल की उम्र में इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई। बताते हैं कि इसी के सपोर्ट से इन्होंने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी, जो अगले 7 साल तक जारी रही। जाहिर है फिर तो एक महान गुरु के सानिध्य में इनकी प्रतिभा और भी निखर गई। साल 1982 में कल्याण जी आनंद जी ने ही साधना को हिंदी फिल्मों में गाने का पहला मौका दिया। ये फिल्म थी रुस्तम, लेकिन ये 3 साल देरी से साल 1985 में रिलीज हुई। साल 1982 में ही आई फिल्म में इन्होंने इसी म्यूजिक जोड़ी के लिए सुभाष घई के फिल्म विधाता में 7 सहेलियां गाना गाया। ये गाना पद्मिनी कोल्हापुरे के ऊपर फिल्माया गया था। रात भर मुआ सोने लगे, इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी। इस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनका पहला गाना रुस्तम फिल्म का था, लेकिन विधाता फिल्म पहले रिलीज हुई। फिर इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए कई फिल्मों में गाने गाए, जैसे तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक और करिश्मा कुदरत का आदि। तेरे वादों पे करके भरोसा, क्या से क्या। लेकिन इन फिल्मों से इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। साधना को असली पहचान मिली साल 1986 में आई फिल्म जाबाज के एक गीत से, जिसके बोल थे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। श्रीदेवी पर फिल्माया गया ये गाना इस कदर हिट रहा कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद इन्हें कई दूसरे संगीतकारों ने नोटिस किया और काम मिलना भी शुरू हो गया, जिनमें राजेश रोशन, अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे संगीतकार शामिल रहे। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में 2 ऐसे गीत रहे जिन्होंने साधना को बड़े सिंगर्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनमें एक गाना था मैं तेरी मोहब्बत में, तेरी
और दूसरा गीत था गजर ने किया है इशारा। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है कि साल 1980 में आई फिल्म जुर्म के गाने जब कोई बात बिगड़ जाए से इनके करियर को एक नई उड़ान मिली और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। इन्होंने साल 1980 में बीआर चोपड़ा के फेमस टीवी सीरीज महाभारत के लिए भी कई गाने गाए। मैं बूंदन भीजी सारी, पिया मिलन बिनती सुनिए नात हमारी। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा के गाने सात समंदर पार से तो साधना सरगम ने वाकई इंडस्ट्री में सफलता की सीढ़ी को पार कर लिया। ये गाना रिलीज होते ही जैसे देश भर में छा गया और आज 3 दशक बाद भी इसके बिना शादियों का सीजन अधूरा रहता है। यहाँ आपको बता दें कि ये दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल साधना ने दिव्या भारती के लिए ही तेरी उम्मीद तेरा इंतजार और आशिकी में हर आशिक जैसे सुपरहिट गीत गाए। इसके बाद तो साधना को दिव्या भारती की आवाज ही कहा जाने लगा। साल 1992 में ही इन्होंने उदित नारायण के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए पहला नशा गीत गाया जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। पहला नशा, पहला नया प्यार। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में इन्होंने ना कजरे की धार ना मोतियों के हार गीत में आवाज दी जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसी तरह इन्होंने साल 2000 में आई फिल्म वाटर के लिए एआर रहमान द्वारा कंपोज किए गए गाने आयो रे सखी गाया। इसके अलावा पिया हो और नैना नीर भी गाए जिनके लिए इन्हें बहुत तारीफें मिली। इसके अलावा साथिया फिल्म का चुपके से, सपने मूवी का ओ चंदा रे, 1947 अर्थ का बन्नो रानी जैसे कई सुपरहिट गीतों को साधना ने गाया और अपनी गायकी से उस दौर की टॉप सिंगर्स में जगह बना ली। चुपके से रात की चादर तले, चांद की। 1990 के दशक में लता मंगेशकर और आशा भोसले को जिन आवाजों ने रिप्लेस किया था उन चार फीमेल सिंगर्स में एक नाम साधना सरगम का भी रहा। अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति के साथ साथ साधना सरगम भी तब देश की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने लगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। साधना सरगम ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, उड़िया, बांग्ला, गुजराती जैसी 34 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने गाए जो कि एक रिकॉर्ड है। ये मराठी होने के बावजूद ऐसा करिश्मा करने वाली एकमात्र सिंगर मानी गई और साधना सरगम का ये रिकॉर्ड शायद अब भी कायम है। दक्षिण भारत में तो इनकी लोकप्रियता का आलम ये रहा कि वहां लता जी से ज्यादा इनके गाने सुने और पसंद किए जाने लगे और आज भी वही आलम है। साधना सरगम एकमात्र ऐसी गैर दक्षिण भारतीय सिंगर रही जिन्हें साल 2007 में 2 साउथ इंडियन फिल्मों के लिए साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिल्में रही किरिदम और मुन्ना। तो वही एकलौती ऐसी सिंगर रही जो आध्यात्मिक संस्थानों जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी और सत्य साई बाबा के लिए आध्यात्मिक और डिवोशनल सॉन्ग्स गाने के लिए भी जानी गयी।
साल 2015 में इनके द्वारा गाया गया भजन साई राम साई श्याम इतना पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता। इन बताए गए गीतों के अलावा भी साधना सरगम ने इतने हिट गाने गाए जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में हिट्स की झड़ी लगा दी। इनके गाए सभी हिट गानों को एक वीडियो में समेटना इतना आसान नहीं है। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हें मिले अवार्ड्स की। तो साधना को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात ओडिशा और दक्षिण के राज्य सरकारों के द्वारा लगभग 20 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें साल 2002 में तमिल फिल्म अजहगी के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी टैलेंटेड सिंगर को हिंदी गानों के लिए फिल्म फेयर की तरफ से कई बार सिर्फ नॉमिनेशन ही मिले लेकिन अवार्ड नहीं दिया गया। साधना सरगम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और शादी नहीं की। संगीत की साधना में ये इतनी तल्लीन रहीं कि किसी और काम की तरफ इनका कभी ध्यान ही नहीं गया। हालांकि समय के साथ नई नई गायिकाएं इंडस्ट्री में आती गईं और ऑटो ट्यूनिंग और मशीनरी के बढ़ते प्रभाव के बीच साधना जी ने फिल्मों में गाना कम कर दिया। ऐसी महान गायिका की आवाज अब फिल्मों में सुनाई नहीं पड़ती है जो फिल्म संगीत और उसके कद्रदानों दोनों के लिए ही निराशा की बात है। जब इस बारे में साधना जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे मधुर और सॉफ्ट गाने गाना पसंद है और इस समय की फिल्मों के संगीत में काफी बदलाव आ गया है। हमें संगीत की कई शैलियां सुनने को मिलती हैं। जब कभी मुझे मेरे लायक कोई गीत ऑफर होगा तो मैं जरूर गाऊंगी। आज के सिंगर्स के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि आज के सिंगर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज मुझे पसंद है। आज साधना सरगम 55 साल की हो चुकी हैं और ढेरों स्टेज शोज और लाइव कॉन्सर्ट्स में अपनी जादुई आवाज से जादू बिखेरती नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनकी ये संगीत साधना यूं ही चलती रहे। तो दोस्तों, आपको साधना सरगम जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका गाया हुआ कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमें YouTube के थैंक्स बटन के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको साधना सरगम जी के कुछ और हिट गीतों के साथ छोड़े जाते हैं जिन्हें हम वीडियो में शामिल नहीं कर पाए। नमस्कार। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा।